अशोक सेल्वन एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जिन्होंने 2013 में रिलीज हुई सुत्तू काकायू नामक फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में अपनी सफलता हासिल की। उन्होंने सीवी कुमार की उपस्थिति में भी काम किया, जैसे पिज्जा व्हेल जो 2013 में रिलीज हुई थी और थेगिरी 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा प्रशंसा नहीं मिली। उनका जन्म 8 नवंबर 1979 को तमिलनाडु भारत में हुआ था। वह 3 साल की उम्र में चेन्नई चले गए और सेथोम्मा हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने लॉयला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में उन्हें लघु फिल्मों में भाग लिया, एक दर्जन लघु फिल्मों में भाग लिया और कुछ का निर्देशन भी किया, जैसे हारा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक अभिनेता के रूप में फिल्मों में काम करने का अवसर की तलाश की और भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जैसे इथी इनेदू जो प्रकाश राज का प्रोडक्शन था। वह सावन आ अरविनू में भी दिखाई दिए, जिसका निर्देशन सूर्या के दोस्त ने किया था। इसके अलावा अशोक सेल्वन ने चक्कारी टॉयलेट के बिल्ला 2 में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें अपार प्यार और पहचान मिली। इसके बाद वह पिज्जा सुत्तू काकायू में दिखाई दिए, जो एक ब्लैक कॉमेडी थी और 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में उन्होंने विजय सेतुपति, बॉबी सिम्मा, स्नाचिता शेट्टी और अन्य के साथ काम किया। फिल्म हिट हुई और उसे व्यावसायिक सफलता भी मिली। बाद में अशोक सेल्वन को फिल्म पिज्जा व्हेल भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जो एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी और दीपन चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित थी। फिल्म तुरंत हिट हो गई और फिल्म समीक्षा और प्रशंसकों से भी इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। वह थेगेरी में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन पी रमेश ने किया था और यह फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री कहानी थी। हालांकि उन्होंने तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए विभिन्न फिल्मों और विज्ञापन में काम किया है, जबकि उनके प्रशंसकों ने उन्हें उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए जाना है। विभिन्न उपलब्धियों के बीच उन्हें 2012 में सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तमिल चौथे सम्मेलन में ग्रीन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए विजय पुरस्कार का नामांकन भी अर्जित किया है।